हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जाम मोटर को कैसे ठीक करें। यह हमारी मोटर जाम है। इस मोटर को हमने 3-4 महीने तक यूज़ नहीं किया है, जिसके कारण ये बड़ी बड़ी खराब हो गई है। मोटर जाम होने के मुख्य 3 कारण हैं। जो पहला कारण है बेयरिंग का खराब हो जाना। आपकी मोटर के बेयरिंग खराब है तो वह जाम हो सकती है। दूसरा कारण है सापट का घिस जाना, इसकी वजह से भी आपकी मोटर जाम हो सकती है। जो तीसरा कारण है उसे मैं आपको दिखाई देता हूँ। अब इस मोटर में मैं आपको सप्लाई देकर दिखाऊंगा, देखिए क्या एक्टिविटी होती है। देखिए इसके अंदर स्पार्क हो रहा है, इसका मतलब सप्लाई जा रही है। ये मोटर घूम नहीं रही है, ये जाम है। अब आपको क्या करना है, इस मोटर के पीछे की साइड 3 स्क्रू लगे हैं, उसको आपको खोलना है। यह जो एक स्क्रू है उसे मैंने खोल दिया था, और यह 2 स्क्रू जो अंदर ही टूट गए आपको दिख रहा होगा, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ऐसी स्थिति में आपके पास एक ही रास्ता है, इसे हैमर की सहायता से इस प्रकार से करें। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इसे तब तक करें जब तक ये खुल ना जाए। आप पेचकस की भी सहायता ले सकते हैं, इसे खुलने में आसानी हो। तो देखिए हमने इसके पिछले कवर को खोल दिया है। इसके अंदर इतने दिनों का गंदा पानी पड़ा है, जिसके कारण इसका इंपेलर अच्छे से रोटेट नहीं हो रहा है। इसके ऊपर काट सी आ गई है, जिसकी वजह से इसे घूमने में दिक्कत आ रही है। इसको आपको दोनों साइड से अच्छे से घुमाना है। इसे तब तक घुमाना है जब तक ये फ्री ना हो जाए। इसमें आपको ऑयल भी डालना है, जिसके कारण ये आसानी से घूमने लग जाए।